दिवाली के त्योहार पर पटाखे विक्रेताओं को क्या सावधानियां रखनी होंगी, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन में पटाखे जिला प्रशासन द्वारा बताए गए चिन्हित स्थानों पर ही बेचे जा सकते हैं। ये जानकारी SDM सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। पहले पटाखे सोलन के ठोडो मैदान में और अन्य चिन्हित स्थानों पर सप्ताह भर पहले बिकने आरंभ हो जाते थे, लेकिन इस बार सोलन में पटाखे महज चंद दिनों के लिए ही बिक सकते हैं। इन आदेशों के कारण पटाखे विक्रेताओं में उत्साह की कमी देखी जा रही है। यही कारण है कि सोलन में पटाखे विक्रेताओं की संख्या में कमी आई है। अधिक जानकारी देते हुए SDM सोलन अजय यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार पटाखे सोलन में केवल 8 चिन्हित स्थानों पर ही बिकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सोलन में पटाखों के विक्रेता केवल 13 और 14 नवम्बर को ही पटाखे बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि सोलन में अगर इन दो दिनों के अलावा पटाखे बेचता पाया जाता है तो उस पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। SDM यादव ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की विभिन्न टीमें शहर का दौरा करती रहेंगे ताकि कोई भी पटाखों का विक्रेता नियमों की उल्लंघना न कर सके। पटाखों की बिक्री को लेकर माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय से एक आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था कि पटाखे जो है केवल 2 दिन बिकेंगे, 13 तारीख और 14 तारीख को। और उसी आदेश में माननीय उपायुक्त महोदय ने सारे उपमंडलाधिकारी को आदेश दिए थे कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ जगहों को चिन्हित करें। तो इसको लेके सोलन क्षेत्र में करीब हमने 8 जगहों पे स्थानों को चिन्हित किया है। ये वही स्थान है जहाँ हर साल लगते आए हैं, एक दो स्थानों में थोड़ा सा बदलाव है। तो इन स्थानों को स्थानीय निकायों के माध्यम से, पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से वेरीफाई कराया गया कि वो सेफ प्लेस है कि नहीं पटाखों के लिए। उसके बाद हमने इन 8 स्थानों को चिन्हित किया है और इन स्थानों पे लगातार जो हमने एक टीम गठित की है तहसीलदार और SHO के निगरानी में, वो बार बार विजिट करती रहेगी ताकि जो सारी सावधानियां हैं पटाखों को लेके वो दुकानदार बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे, और पटाखे वही दुकानदार बेचेंगे।